हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम टॉपिक एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग के संबंध में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग को लेकर लगातार नई नई अड़चनें आ रही हैं। वैसे इन अड़चनों के बारे में हम लोग पहले से जानते थे, बस ये था कि हम लोग जागरूक नहीं हो पा रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया, प्रयास तो किया ही गया। प्रतियोगी मोर्चा टीम के द्वारा भी, लीगल टीम के द्वारा भी सभी लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोग एक्टिव नहीं थे। हम लोग क्या सोच रहे थे, पहले से ये सोच कर बैठे थे, बल्कि मैं हमेशा यही बोल रही थी कि अगर आप लोग एक्टिव नहीं हुए तो जुलाई में या अगस्त में या सितंबर में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। सब लोग ये सोच कर बैठे थे कि अरे कुछ नहीं, परेशान ना हो, जुलाई में ज्वाइनिंग दे ही देगी खुद ही सरकार, खुद ही मिल जाएगी। अब देख लीजिए, खुद ही कहाँ मिल रही है ज्वाइनिंग। तो हम लोग ये बात जानते थे, लेकिन एक्टिव नहीं हुए और बैठे रहे, और उसी का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। खैर छोड़िए उन सब बातों को, अब करना क्या है देखते हैं। देखिए 8 जुलाई तक का आपको पता चल चुका है, ट्रांसफ़र वाला मैटर वो सुलझेगा। उसके बाद के निर्देश आपने देखे ही होंगे कि उसके बाद रिक्तियों की ये लोग पुष्टि कराएंगे दोबारा से, और उनको 5 दिन का टाइम दिया गया है कि 5 दिन के अंदर अंदर ये काम भी आप लोग रेडी रखिए, नई जो संशोधन वाली रिक्तियां हैं उसमें। इसका मतलब है कि संशोधित होंगी रिक्तियां, तो उसका मैटर थोड़ा सा 15 से 20 दिन तक हो सकता है लेट हो जाए, 15 से 20 दिन। बल्कि ये लोग बहुत फास्ट करेंगे, तब कहीं ये लोग करा पाते हैं काम। पहले हम लोग देख चुके हैं DIUS, मतलब ये लोग कितना स्लो काम करते हैं। तो यहाँ हमारी रिक्तियों की पुष्टि करने में, तो रिक्तियों की पुष्टि होने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही, और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब संशोधित, उसके बाद हमारा कुछ मैटर ये लोग देखेंगे, लेकिन ये तब देखेंगे जब हम लोग अभी से एक्टिव रहेंगे। तो इसी बीच ये सारी बातें आप लोग जान चुके हैं, ट्रांसफ़र वाला मैटर, फिर दोबारा से रिक्तियों में थोड़ा बहुत देखना कि कहाँ कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें। और बीच में आप देख सकते हैं कि प्रवक्ता वाली ज्वाइनिंग तक इन लोगों ने रोक दी है। तो ट्रांसफ़र वाला मैटर इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसके लिए वो लोग सारे कार्य रोक चुके हैं। और हमारी तो नियुक्ति फिर भी शुरू भी नहीं हुई थी, प्रोसेस जिसकी शुरू हो गई थी वो रोक दी गई है। तो ये सारी बातें आप लोग जान चुके हैं। मैं यहाँ आपको ये बताऊंगी कि अब चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग, वैसे मैंने बात की थी तब यही बताया गया था कि ट्रांसफ़र वाले पोर्टल पर कार्य हो रहा है, आपका बाद में होगा। मैंने पूछा भी नहीं था ट्रांसफ़र वाली बात पूछी नहीं गई थी, वहाँ से खुद ही उन लोगों ने बताया कि ये सारा कार्य पहले होगा, उसके बाद देखेंगे, और उसमें समय लगेगा, ये बात भी बोली गई थी। तो फिर मैंने तभी से मैं बहुत ज़्यादा सभी को समझा रही हूँ कि मतलब सभी लोग एक्टिव हो जाएं, जागरूक बन जाएं, और अपने अधिकारों की मांग के लिए अब उठ खड़े होइए, क्योंकि तब जब तक आप लोग अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सभी लोग 1 जुलाई को लखनऊ निदेशालय पहुँचें, और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, एक से एक कोई भी जाए तो अपने साथ 2-3 लोगों को ले जाने का प्रयास करें, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली से, या कुछ भी, मतलब जो साथी हैं चयनित वो लोग ही पहुँच जाएँ। काफ़ी हैं 2500 लोग, अरे 500-600 ही पहुँच जाएँ बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 100 भी पहुँच जाए ना, 100 भी नहीं पहुँचते, तो 100 तो इस बार तो पहुँचेंगे मुझे लगता है, सभी लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन हाँ, पहुँचें ज़्यादा से ज़्यादा, वो बाद में देख लिया जाएगा क्या करना है। फ़िलहाल हम लोग शिक्षित हैं, इतना ध्यान रख सकते हैं कोविड नियमों का, वो सारी दूरी उरी वो सब देख ली जाएगी, लेकिन पहुँचिए तो कम से कम, तो पहुँचिए और थोड़ा कोशिश करेंगे। 1 जुलाई को शिक्षा निदेशालय लखनऊ धरना प्रदर्शन रखा गया, बाकी 8 जुलाई को आप लोग सोच रहे हैं कि 8 जुलाई के बाद देखते, तो 8 जुलाई के बाद भी देख लिया जाएगा। अगर ये बात है कि हम लोग वहाँ अपनी बात रख के चले आएंगे, ठीक है, और नहीं तो कोशिश करेंगे कि ये लोग हमें एक लिखित में कुछ सूचना दे दें कि इतने तक आपका काम कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमें अब एक सॉलिड जवाब चाहिए, ये टाल मटोल वाला जवाब नहीं चाहिए, अब हमको एकदम सही सटीक वाला आंसर दीजिए, या तो बता दीजिए कि इतनी डेट में आपकी नियुक्ति हो जाएगी, या इतनी डेट में आपका पोर्टल खुल जाएगा, तब तो हम मान लेंगे। अब ये टाल मटोल वाला बहुत दिन से सुन रहे हैं, अब बिल्कुल नहीं इंतज़ार, अब बहुत हो चुका,
अब इंतज़ार मंजूर नहीं। तो सभी लोग एक्टिव हो जाएं, सभी लोग जागरूक हो जाएं, कोर्ट में ले जाने का कोई मतलब नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि अभी शासन पर हम लोग दबाव भी बना सकते हैं, गुहार भी लगा सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं, मेल वेल सब कुछ कर सकते हैं, फ्री हैं एकदम, क्योंकि शासन पर है अभी सब कुछ। लेकिन अगर हम लोग कोर्ट मैटर ले गए तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो लोग डायरेक्ट बोल देंगे आपका मैटर कोर्ट में है, जैसा आदेश आएगा पालन किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। कोर्ट की बात अभी छोड़िए, तो कोर्ट में कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही है कि सभी लोग ऐसे ही प्रयास करें, सभी लोगों के सम्मिलित प्रयास से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और हमारी टीम मेंबर्स भी, अगर हमारा टीम मेंबर्स का साथ मिल जाए तो और बेहतर है। हम किसी भी टीम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, बाकी टीम मेंबर्स ने बहुत मेहनत की, जो भी मेहनत की गई अच्छी बात है। लेकिन अभी बस हम यही चाहते हैं कि अब जो है कोई सॉलिड जवाब ही लेकर हमारे टीम मेंबर्स लौटें, और ये टाल मटोल वाला अब जवाब नहीं चाहिए, ज्वाइनिंग चाहिए। बस बहुत हो चुका है इंतज़ार, अब इंतज़ार मंजूर नहीं है। तो बस सभी लोग निदेशालय पहुँचे, वहाँ जो होगा देखा जाएगा। हम लोगों को बस यही कोशिश करनी है कि अपनी बात को पूरी तरीके से रखना है अच्छे से, और अच्छे से उनसे अच्छे से एक सॉलिड जवाब लेना है। साथ ही इसके बाद में जो है हम लोग 8 के बाद भी देख लेंगे, क्योंकि 8 तक ये ट्रांसफ़र वाला सारा कार्य होना है। आपने समय सारणी देख ली होगी तो उसका आप देख चुके हैं, मैं उसको दोबारा से नहीं दिखा रही। स्थानांतरण वाली बात भी आप लोग देख चुके होंगे, तो उसमें भी यही लिखा गया है कि बाद में ये सारा कार्य होने के बाद जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जो लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये बात उन लोगों की नॉलेज में है, लेकिन नॉलेज में है कितनी लेट लतीफ़ी करेंगे ये बात आप जानते हैं। लेट लतीफ़ी ना हो इसके लिए अब भी धरना बहुत ज़रूरी है। तो धरना प्रदर्शन ही अब हमारे पास एक विकल्प बचा हुआ है, बाकी छोटे छोटे 2-4 लोगों जाने से अब तक कुछ हासिल नहीं होगा। अब तो एक बड़ा दबाव बनाने की ज़रूरत है। बाकी सारे टीम मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी जाएं और अपनी बात को अच्छे से रखें, बाकी सभी लोग जाएं और सभी लोगों का साथ और संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।